अस्सलाम वालेकुम, सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे चैनल पर हमें प्यार दिखाते रहें। आज की वीडियो उसका टाइटल है, उसका टाइटल है जी कॉमेडी क्लिप से हिंदी मूवी चुप चुप के राजपाल यादव कॉमेडी स्कैम। तो देखते हैं वीडियो। मेरा नाम अंजिम इकबाल जी, जुआ मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। मैं इधर का मैनेजर हूँ, नेटवर्क झुंझुन वाला। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। कैसे नहीं सुनने वाला, मैं इसको सुनता कर दूँ। क्या जबा जबा, तू मेरी बात सुनेगा कि नहीं? दिखाऊँ अपने हाथ की गर्मी? ये तो बिल्कुल ठंडा है। मैं तुम दोनों को दिखाता हूँ, दोनों को दिखाता हूँ। अपनी तुम कहाँ जा रहे? तुम्हीं ने तो बोला कुछ दिखाता हूँ। अब एक एक नहीं तो क्या बात है? ये आप तो हमें दिखा रहा था। नहीं 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 मैम साहब, इन लोगों ने आपको नहीं देखा। नहीं नहीं नहीं, देखा, पूरा देखा। जान से मार दूंगा मैं तेरे को, जान से। क्या हो रहा है ये? ओ कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ओ मैं इन लोगों का कपड़ों का साइज ले रहा था, नए कपड़े बनवाने आया ना इनके लिए। इनके लिए नए कपड़े बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये घर के नौकर हैं, तेरे मामा के लड़के नहीं है। पुराने कपड़े हैं उनमें से कोई दे दो, लेके आओ उनको अंदर। तुम दोनों में से जूता अच्छी तरह पॉलिश करना किसको आता है? मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छी तरह आता है, मास्टर है मास्टर। तेरा नाम क्या है? बांडिया। क्या? डांडिया? बांडिया बांडिया। अच्छा डांडिया। डांडिया देख, पहले तू जूता पॉलिश करना सीख। नटवर, इस घर के सारे जूते लाके इसको दे दो। चल मोची। इतने सारे जूते अगर मैं फुटपाथ पे पॉलिश करता तो इतनी कमाई होती कि एक हफ्ते के अंदर मैं एक नाव खरीद लेता। ये लो, ये थोड़े से और पुराने जूते हैं, इन पर हाथ साफ करके अच्छे से पॉलिश करना सीखो, और नए भी देंगे। और कुछ जूते पैरों के साथ चलकर बाहर गए हैं, जैसे वापस आ जाएंगे वो भी देंगे। अरे राजपाठा, तू क्या कलेक्टर बनने वाला? जो थाना बैठा बैठा पढ़ाई करे, कुछ काम कर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जिसको जो काम दिया उसको खुद ही करना पड़ेगा, और वो भी दिए हुए वक्त पर, नहीं तो कुत्ते के पट्टे के साथ यहाँ पर पिटाई होती है। अच्छा ये मजान, अब तो वक्त के अंदर काम करके दिखाता हूँ। फटाफट ये काम खत्म करोगे तो तुरंत दूसरा काम दूंगा। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो? अच्छा ये बताओ, तुम दोनों में से अच्छी तरह कपड़े धोना किसको आता है? एक और काम, ये तो मैं हरगिज नहीं करूंगा। मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं आता, मैं इसको बिल्कुल सिखा दूंगा। नहीं नहीं, कपड़े महंगे हैं, जो नहीं जानता वो धोएगा तो कपड़े फट जाएंगे, तो ये काम तो तुमको ही करना पड़ेगा। खसखस खसखस के मर जाएगा। धोबी घाट किधर है? मुझे एक बात बताओ, यहाँ के लोगों ने पिछले 2 साल से कपड़े नहीं धोए क्या? ए, फालतू बातों में वक्त बर्बाद मत करो, बाकी लोग भी अपने कपड़े ला रहे हैं। हाँ, हाँ, लाने दो लाने दो लाने दो, पूरे घर के कपड़े लाने दो, और पड़ोसियों से भी पूछ रहा हूँ उनके कपड़े उनको भी लाने दो। ये सस्ता और अच्छा साबुन है इसलिए इतनी मजदूरी करवा रहे हो। लहंगा है कि सर्कस का तंबू? ये नौटंकी। ए नटवर, एक बात बताओ, इस घर में कितने परिवार रहते हैं? 15-16 परिवार। हाँ, तुझको घर क्यों बोलते हैं? इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? काम कर, नहीं तो तुझे रस्सी में सुखा दूंगा। ये कुर्ता किस राक्षस का है? ये कुर्ता हमारे बड़े साहब का है। मतलब इन राक्षसों में से और भी एक बड़ा राक्षस है? ए, नीची आवाज में बात कर, ये लोग तो कुछ भी नहीं है, असली साहब तो वो है, मंगल सिंह चौहान, गुजरात गए हैं, आने वाले हैं। हेलो हेलो, पेट तो खाड़ो पुरवा। हेलो क्या खाड़ो? मैं खाड़ो नहीं खोदूंगा, न थी, थोड़ी बहुत गुजराती मुझे भी आती है। नहीं जम्मू नहीं जम्मू न थी ना जम्मू तो
साले गड्ढा खोद जाके साले गुजराती समझता नहीं, मेहनत पड़ेगी तब मजा आएगा। यार कपड़े धो धो मेरी हालत खराब हो रही, ऊपर से कह रहा गड्ढा खोद, मैं कोई बंजर मजदूर हूँ। अरे पेट में खाड़ो पुरवा का मतलब मालूम है क्या है? वो खाना खाने के लिए बुला रहा था क्या? चाचा भी काम कर। क्या खाना? हाँ चौली की सब्जी है, चपाती है और मिठाई में घूघरा है। खाने में चौली सब्जी और क्या? चपाती। चपाती और मिठाई में क्या था? वो क्या बोलते हैं गुजराती में, घूंघरा है, घाघरा, घूंघरा, घूंघरा, घूंघरा। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अब कुछ नहीं हो सकता। इस घर का असूल है कि एक बार किसी ने मना कर दिया तो दोबारा उसको खाना नहीं मिलता। अरे ये भगवान क्या जुलुम है, सारा काम करूं मैं, खाए वो, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, एक बार सबका खाना हो जाए। हाँ। कुछ खाना बचेगा तो मैं उनसे कह दूंगा, वो तुमको बुला लेंगे। ए, कुछ करो ना, कुछ करो ना। उठ जाके कपड़ा दो। पेंट गिली कर रहा है मेरी। ए, क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या? अचानक मुझे मेरा मालिक याद आ गया, इसलिए होश खो बैठा। अबे गोंचू, ये तेरा मालिक नहीं है, ये बड़े साहब की इकलौती बहन के कपड़े हैं। जरा से भी फट गए ना तो बड़े साहब तुझे फाड़ डालेंगे। हाँ ए। शू काम छे? मुझे गुजराती नहीं आती, इसलिए जब उन्होंने खाने के लिए बुलाया तो मैं गया नहीं, मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है क्या? शू? शू? हाँ, शू तो मैंने कपड़े पॉलिश कर लिए और कपड़े भी धो डाले। अब मुझे क्या वो क्या 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 बोला था उस नौटंकी ने, मुझे घाघरो चोली मिल सकता है क्या? शू? घाघरो ने चोली? हाँ हाँ, घाघरो चोली, घाघरो चोली। कोनो घाघरो चोली? आप दो ना, आप दो ना, अलिया राज वगर ना, तो ने आ घाघरो चोली जोइए छे, जोइए छे, जोइए छे, जोइए छे। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं अपने आप ले लेता हूँ। या आप कॉमेडी के हवाले से बात की जाए तो ये नाम तो मुझे नहीं पता, राजपाल यादव किंग है जी, किंग है बिल्कुल। जॉनी लीवर और राजपाल यादव, इन दोनों के बाद कॉमेडी मैं कहता हूँ कि बस जी, कॉमेडी बड़े जबरदस्त तरीके से करते हैं। और यहाँ पे वैसे अगर देखा जाए तो ये समझने के लिए भी एक बात है कि खड़ा किसी के लिए खोदो तो बंदा उसमें खुद गिरता है, इसलिए ज्यादातर जो है ना अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना चाहिए और खामोश रहना चाहिए। लेकिन ये तो एक फनी स्केन था और बहुत जबरदस्त और मजे का स्केन किया गया जी, बड़ा अच्छा लगा। कॉमेडी इनकी जो एक्सप्रेशन थे कि गुजराती नहीं आती, वो सारी चीजें जो है शक्ति कपूर जो है उन्होंने भी बड़ी अच्छी एक्टिंग की है इसमें, और शाहिद कपूर जो है वो गुंगे का किरदार अदा कर रही है और वो अच्छा खोद गई है, लेकिन उन्हें खाना मिलेगा, उनको तो मिल गया। बाकी अगर बात कीजिए तो वो आगे बढ़ के गए, मतलब जूते की बात की कि मुझे आते हैं नहीं आते, वो उसको पसाना चाहता, उसमें भी फंस गया और दोबारा फंसा। और रोटी के टाइम पे जो बहुत सही हुआ कि रोटी के टाइम पे उसको जब ऑफर मिल रही थी खाने की, उसको ठुकराने के बाद जो उसके साथ हुआ ना वो बहुत जबरदस्त था, क्योंकि वो उसको पहले तो बात है कि सबर करना, जब वो बोले जब बच जाएगा तो मिलेगा, उसमें भी सबने सबर ना किया और फिर उसको सही दुलाई उसकी भी हो गई, हालांकि वो कपड़े धो धो के थका हुआ था, उसकी दुलाई होना जो है ना और भी अच्छा था। तो काफी जबरदस्त मूवी थी, काफी जबरदस्त एंटरटेनमेंट के लिए काफी अच्छी थी, तो ऐसी ही मूवी आगे भी लेके आएंगे। आप भी रिक्वेस्ट कीजिएगा, आप भी अपने बताएगा कि आप कौन सी मूवी देखना चाहते हैं। तो इस पे अगर बात कीजिए तो बहुत जबरदस्त मूवी थी, बहुत एंटरटेनमेंट के हवाले से बहुत जबरदस्त है, देख के अच्छा लगा जी। बिल्कुल जी, जबरदस्त मूवी थी, कॉमेडियन प्रिंस है ये और इनको हम पर्सनली भी बड़ा लाइक करते हैं और इंडिया में भी इनके फैन फॉलोइंग जो है बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा लोग इनको लाइक करती हैं। और एक कॉमेडियन सीन इनका ये भी था कि एक मूवी आई थी इनकी, उसमें छोटा डॉन का इन्होंने रोल अदा किया था और वो बड़ा जबरदस्त रोल था इनका, और उसमें भी बड़े अच्छे से इन्होंने कॉमेडी, वो कॉमेडी स्केन ही होता है उसमें भी, तो बड़ा अच्छा किरदार है इनका। राजपाल यादव जी जो है बड़े अच्छे ग्रेट एक्टर है और बहुत मजे की एक्टिंग करते हैं। और बाकी बात की जाए इंडियन मूवी जो है ना काफी जो है फनी जो है बहुत जबरदस्त है, जितने भी कह लो के मतलब इनके थे ना बनाने वाले, उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से इस पे काम किया फनी वीडियो के ऊपर, तो इतनी जबरदस्त हिट हुई है कि लोगों ने फाइट वाली मूवी कम कर दी थी और इन फनी मूवियों को देखना शुरू कर दिया था।
तो डायरेक्टर जो है ना काफी अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, फनी सीन इतने जबरदस्त होते हैं कि हम लोग सब पाकिस्तान में बैठे एंजॉय करते हैं और इनके काफी फैन है पाकिस्तान में भी। जी बिल्कुल, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो पर हम लोगों ने दिया अपना ओपिनियन, आप लोग फिर सेशन में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, अपनी डिमांड्स भी बताइएगा, कोशिश करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप करके आप लोगों की डिमांड्स भी पूरी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।